हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से स्पीकर शोस टू प्रोसेसेस ए एंड बी फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ गैस। इफ डेल्टा क्यू वन एंड डेल्टा क्यू टू आर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द टू केसेस एंड डेल्टा यू वन एंड डेल्टा यू टू आर द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली देन। नंबर वन, डेल्टा क्यू वन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू टू एंड डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू टू। नंबर टू, डेल्टा क्यू वन इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू टू एंड डेल्टा यू वन इज ग्रेटर देन डेल्टा यू टू। नंबर थ्री, डेल्टा क्यू वन इज लेस देन डेल्टा क्यू टू एंड डेल्टा यू वन इज लेस देन डेल्टा यू टू। नंबर फोर, डेल्टा क्यू वन इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू टू एंड नंबर डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू टू। तो जैसा कि हमें मालूम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। तो ये इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट है सेम। इनिशियल स्टेट को हम बोल सकते हैं लेट से एक्स और फाइनल स्टेट है वाई। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बोथ द केसेस यानी यू ए एंड यू बी, दैट इज यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू टू बिकॉज इट्स ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल पी और वी की वैल्यू है और फाइनल पी और वी की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा। तो स्टेट फंक्शन, जबकि हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एंड वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन यानी एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव द वर्क डन। तो हम देख सकते हैं केस ए में एरिया इतना कवर हो रहा है और केस बी में हमारा जो एरिया कवर हो रहा है वो है सिर्फ इतना। तो क्लियरली डेल्टा डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू टू। इसका मतलब डेल्टा क्यू वन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा डब्ल्यू वन एंड डेल्टा क्यू टू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू टू। तो जब डब्ल्यू वन ज्यादा है तो क्यू वन ज्यादा होगा, इसका मतलब डेल्टा क्यू वन विल बी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू टू। तो हमारा आंसर होगा डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू टू एंड डेल्टा क्यू वन इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू टू, विच इज ऑप्शन नंबर फोर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।